गुड इवनिंग दोस्तों, हम एग्जाम्पल कलम से क्रांति और आई स्पीसीज बाय एग्जाम्पल चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज थोड़ा सा कोऑर्डिनेट करेंगे आप लोग अपनी तरफ से, क्योंकि तबीयत थोड़ी नासाज है, गले में दर्द है और जुकाम इन्फेक्शन सारी चीजें हो रखी है। ठीक है, तो सभी लोग थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन करेंगे अपनी तरफ से। वैसे हालांकि सभी लोग कंट्रीब्यूशन ही करते हो, बट कुछ फिर भी एक आध दो होते हैं जो कंट्रीब्यूशन नहीं करते। ठीक, तो हम लोगों ने ऑलरेडी आपको टॉपिक दिए हुए थे, कल इवेंचुअली क्लास नहीं हो पाई थी क्योंकि थोड़ा सा क्या था, सेम टाइम पर ये क्लास थी और वो सेशन भी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा अहम और जरूरी था। पर ऐसे इस तरह के सेशंस आपके लिए जरूरी होते हैं। ठीक है, अब पहला स्टेटमेंट है आपका, मुल्ला पेरियार बांध के संदर्भ में निम्नांकित कथनों पर विचार कर सही कूट का चुनाव करिए। देखिए, मुल्ला पेरियार बांध को लेकर कोर्ट हमेशा दोनों पक्षों को लेकर, केरला एंड तमिलनाडु, क्योंकि इन दोनों को ये बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है, हमेशा बात करता रहा है। बांध को लेकर समितियां भी बनाई गई, क्योंकि बांध के जलस्तर में होने वाली कमी या बांध के जलस्तर में होने वाली बढ़ोतरी का जो फर्क है वो दोनों राज्यों को इफेक्ट करता है। अब अगर आप बांध करें तो कोर्ट ने इन लोगों को भी हाल ही में जनरली तौर पर तमिलनाडु और केरला सरकार दोनों को लताड़ लगाते हुए कहा कि आप दोनों इस तरह से बिहेव करिए जैसे जनरली अपीलेट लोग किया करते हैं, सामान्यवादी जिस तरह से अपनी कंप्लेंट किया करते हैं वैसे करके कंप्लेंट करिए। ठीक है, क्योंकि आपका ये जो बांध का विवाद है वो काफी पुराना है और यहाँ पर आपको सभी हितों को देखना है, ना सिर्फ आर्थिक हितों को देखना है, जैसे तमिलनाडु के इससे आर्थिक हित ज्यादा जुड़े हुए हैं, वहीं मुल्ला पेरियार बांध के साथ में केरला के पर्यावरणीय हित हैं, खास मतलब सॉरी मानवीय आपदाओं वाले हित हैं। कैसे? क्योंकि केरला आपको भी पता है डिजास्टर प्रोन एरिया को लेकर अगर बात करते हैं तो मुल्ला पेरियार बांध के जलस्तर में अगर बढ़ोतरी होती है तो ऐसे में क्या होगा, इडुक्की जलाशय के अंदर जो है जो निचले स्तर पर है वहां पर पानी की मात्रा बढ़ सकती है, और जब पानी की मात्रा बढ़ जाएगी तो केरला ऑलरेडी आपको पता है फ्लड प्रोन एरिया में शामिल होता है, तो केरला के लोगों को समस्याएं हो सकती हैं जो कि बहुत गंभीर रूप में दिख सकती हैं। ठीक है, अब इसी क्रम में हम बात करें तो थोड़ा सा क्वेश्चन के फॉर्मेट पर जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा आपके जो भी पूछे जाएंगे ना वो थोड़ा सा हमेशा यही है कि बांध कहाँ से अवस्थित है। ठीक है, बांध के साथ में कौन कौन सी नदियां हैं, उन नदियों की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपके ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आपका है कि यह केरल के इडुक्की जिले में मुलायार और पेरियार नदियों के संगम पर स्थित है। दूसरा स्टेटमेंट है कि एशिया के सबसे ऊंचे मेहरावदार बांधों में से एक है और तीसरा सबसे ऊंचा मेहरावदार बांध है। ठीक, वही चौथा तीसरा स्टेटमेंट है कि इसके माध्यम से तमिलनाडु राज्य अपने 5 दक्षिणी जिलों के लिए पीने के पानी और सिंचाई की आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। इसका आंसर करिए बेटा, सफिशियंट जूम है, आप लैंडस्केप मोड में कर लो थोड़ा सा। ठीक है, अब देखिए मुलायार को लेकर जो हम बात कर रहे थे, ठीक है, यहां पर कुछ कुछ चीजें समझेंगे। बेसिकली जो मुल्ला पेरियार बांध है आपका वो केरल के इडुक्की जिलों में मुल्लायार और पेरियार नदियों के संगम पर स्थित है, ये स्टेटमेंट आपका सही है। वही दूसरा स्टेटमेंट दिया गया था कि एशिया के सबसे ऊंचे मेहरावदार बांधों में से एक है और तीसरा सबसे ऊंचा मेहरावदार बांध है, ये बेसिकली जो स्टेटमेंट है वो इडुक्की को लेकर है। ठीक है, इडुक्की बांध को लेकर है ये स्टेटमेंट, ना कि आपके मुल्ला पेरियार बांध को लेकर है, तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब उडुक्की बांध को लेकर बात करें तो ये कुर्बन और कुर्थी, ठीक है, केरला में जो पहाड़ियां हैं कुर्बन एवं कुर्थी, उनके खड्ड के बीच में, क्योंकि आपने देखा होगा दो पहाड़ियां उनके बीच में जो है गहराई जो रहती है वहां पर इसका निर्माण किया गया, किसका, इडुक्की जलाशय को लेकर। ठीक है, इडुक्की जलाशय को लेकर जब भी आप बात करेंगे तो वहां पर एक चीज ध्यान रखेंगे कि न सिर्फ ये जो इडुक्की बांध है बेसिकली वहां पर सिंचाई की व्यवस्था करता है, बल्कि 780 मेगावाट पावर का प्रोडक्शन भी
केरल का जो विद्युत बोर्ड है उसके संचालन में यहाँ पर 780 मेगावाट विद्युत ऊर्जा का उत्पादन आपका किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं आपके स्टेटमेंट्स को लेकर, मुल्ला पेरियार बांध को लेकर। ठीक, तो मुल्ला पेरियार बांध को लेकर जो उसके संचालन के राइट्स हैं वो सारे के सारे 999 साल के पट्टे पर दिए गए थे तमिलनाडु राज्य को, और ये बात है ब्रिटिशर्स के टाइम की। ठीक है, ब्रिटिश काल के दौरान ही तमिलनाडु राज्य को बेसिकली इसके संचालन को लेकर सारा का सारा जिम्मा, जो अधिकार, जो आधिकारिक, जो प्रशासनिक कार्य हैं वो सारे के सारे दिए गए थे मुल्ला पेरियार जो बांध के किसको, तमिलनाडु सरकार को। अब बेसिकली है क्या कि यहाँ पर अगर आप बात करें तो यहाँ पर कुछ चीजें होती हैं जो मुल्ला पेरियार जो बांध है उसको लेकर अगर आप बात करते हैं तो वो ना सिर्फ वहां पर सिंचाई की परियोजनाओं का काम करता है बल्कि उसके अलावा भी इस बांध से लगभग 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई भी जो है पूरी की जाती है तमिलनाडु में ही। ठीक है, तो तमिलनाडु के जो निहितार्थ है वो जाहिर सी बात है इसके साथ में ज्यादा जुड़े हैं, लेकिन जुड़ते हैं वो केरला के साथ भी। कैसे, जब यहां पर जलाशय में, ठीक है, मुल्ला पेरियार बांध के भाई जाहिर सी बात है जो बांध बनता है, जैसे मान लेते हैं ये आपका कोई पर्टिकुलर बांध बना हुआ है, ठीक है, तो बांध के इधर वाले हिस्से में ये जो पानी आपका भरा रहेगा, मैं आपको ऐसे दिखाऊं, तो इसी क्रम में तो आपका बांध बना होता है। ठीक है, तो ये जो इतना हिस्सा यहां पर ये जो जलाशय बना हुआ है, जो पानी है, इस पानी का स्तर अगर बढ़ता है, ठीक है, किसी भी स्तर पर, यहां पर क्या है मुल्ला पेरियार जो डैम आपका बेसिकली बना हुआ है उस डैम में अगर पानी का स्तर बढ़ता है तो समस्या यह है कि इस जलाशय से जो पानी है उसको क्या करते हैं ये लोग, बेसिकली क्या करते हैं, डाइवर्ट करते हैं और निचले पेरियार में बिजली उत्पादन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और यही पानी आगे जाकर लगभग 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में सिंचाई करता है। तो बेसिकली ये जो डैम बना है इस डैम से जो पानी है उसको डाइवर्ट किया जाएगा और डाइवर्ट करने के बाद में ये निचले पेरियार वाले इलाके में ये आपका जाता है। ठीक है, एक चीज और कि ये जो बांध का जो जलाशय बना हुआ है वो बेसिकली आपके पेरियार टाइगर रिजर्व में है। ठीक है, तो कभी अगर आपसे पेरियार टाइगर रिजर्व को लेकर कोई स्टेटमेंट दिया जाए तो आप ये ध्यान रखेंगे कि पेरियार टाइगर रिजर्व में ये आपका बांध जलाशय आता है। इसको लेकर भी कई बार क्वेश्चन आपके उठे थे, क्वेश्चन ये बेसिकली उठे थे कि कई पर्यावरणीय संस्थाओं ने इसको लेकर बात की थी कि ठीक जैसे पेरियार टाइगर रिजर्व के अंदर बना हुआ है उसी क्रम में जो केन वेतवा लिंक है आपका, ठीक है, केन वेतवा प्रोजेक्ट आपको याद होगा वो कहां से गुजरता है, वो भी बेसिकली आपके पन्ना टाइगर रिजर्व से संबंधित है। तो पन्ना टाइगर रिजर्व को लेकर बात करें या फिर आप इस पेरियार टाइगर रिजर्व को लेकर बात करें तो भारत में जो बांध परियोजनाएं हैं उनका जंगलों पर क्या इंपैक्ट है, टाइगर रिजर्व्स के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है, वहां के वन्य जीवों पर क्या प्रभाव है योजनाओं का, उसको लेकर हमेशा ये चीजें चर्चा में आपकी बनी रहती हैं। ठीक है, अब आते हैं यहां पर स्टेटमेंट में कुछ नदियों का जिक्र किया गया है जैसे आपके पेरियार नदी का। ठीक, तो पेरियार नदी को अगर आप देखेंगे तो केरला राज्य की सबसे लंबी नदियों में शामिल है, 244 किलोमीटर की लंबाई के साथ ये केरला की सबसे लंबी नदी है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ केरला, और केरला की इसको लाइफलाइन बोला जाता है। ठीक है, केरला राज्य की अगर बोला जाए तो ये लाइफलाइन है, क्यों, ना सिर्फ ये वहां पर पानी की जरूरतों को पूरा करती है ओवरऑल, उसके अलावा केरला जो पेरियार नदी है उससे आसपास के क्षेत्रों में भी क्या होता है सिंचाई वगैरह का काम पूरा किया जाता है। क्यों, क्योंकि पेरियार नदी जो बेसिकली है वो आपकी 12 महीने 7 दिन वाला सिस्टम, मतलब के 12 मासिक नदियों में आपका शामिल है। ठीक है, तो अगर कभी स्टेटमेंट, देखो नदियों को लेकर कई दफा पूछ लिया जाता है इस तरह के स्टेटमेंट्स वगैरह। ठीक है, दो तीन चीजें जो आपको स्ट्रक्चर में ध्यान रखनी है, पहली चीज तो ये कि कौन सी नदी किन स्रोतों से निकलती है, वो स्रोत ध्यान रखेंगे। तो जैसे पेरियार को लेकर बात करें तो पेरियार को लेकर जब भी बात की जाती है तो ये निकलती है शिवगिरी हिल्स से। ठीक है, तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि पेरियार किससे है आपकी, शिवगिरी पहाड़ियों से निकलती है। ठीक, स्ट्रक्चर ध्यान रखेंगे कैसी है, 12 मासी नदी है और लंबाई को लेकर नहीं पूछा जाएगा बट फिर भी ध्यान रखेंगे कि केरला की सबसे लंबी नदियों में से आपकी एक होती है। उसके अलावा
सहायक नदियां जरूर पूछी जाती हैं, ठीक है, जो पेरियार है तो उसकी बेसिकली आपसे ऐसे कि सहायक नदियां पूछ ली जाएंगी, तो यहां पर लिख दीजिए, ऐसा करके लिख लीजिए, उद्गम क्या है इसका, शिवगिरी पहाड़ियां, ठीक, केरल की सबसे लंबी नदी, ठीक, स्ट्रक्चर क्या है, 12 मासी नदी है, ठीक है, 244 किलोमीटर ऑलमोस्ट इसका लंबाई है, लंबाई को लेकर जो है ज्यादा वो लोड नहीं लेंगे, ठीक है। और क्या ध्यान रखेंगे, पेरियार जो राष्ट्रीय उद्यान है से बहती है। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस साल आपने देखा होगा, इस साल क्वेश्चन आपका पूछा गया था व्यास नदियों से लेकर पूछा गया था, ठीक है, तो ये इस तरह के स्टेटमेंट्स आपसे पूछा जाते हैं, ठीक है, हमेशा इस स्टेटमेंट देखो, नदी को लेकर दो तीन चीजें जो है वो हमेशा आपसे पूछी जाएंगी, उनको याद रखेंगे। अब आते हैं इसकी मुख्य सहायक नदियों को लेकर, देखो बाकी बहुत सारे हैं स्ट्रक्चर, बट मुख्य सहायक नदियां आपको अगर याद हैं तो क्वेश्चन में आंसर गलत होने की जो चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा आपके कम रहते हैं। तो कौन कौन सी हैं, मुथिर पूजा, चेरू थोनी, मुल्ला यार, और चौथी जो मुख्य सहायक नदियों में आपकी शामिल होती है वो होती है पेरिन जंकुटी, ठीक है। तो ये चार नदियां हैं, इनको आप याद रखेंगे, इनको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब यहां पर ये स्ट्रक्चर आपका दिया हुआ था, तो ये किसको लेकर था, ये बेसिकली था इडुक्की बांध को लेकर, किसको लेकर था, इडुक्की बांध को लेकर ये स्ट्रक्चर आपका था कि एशिया का जो एक्चुअल में जो इडुक्की बांध है ना, बेसिकली अगर आप बात करें तो इडुक्की बांध से संबंधित जो राइट्स हैं, खासकर जो उसके विद्युत उत्पादन की राइट्स हैं, वो केरला के पास में आते हैं, ठीक है, इन चीजों के ध्यान रखेंगे कि ये केरला के पास में इसके राइट्स आते हैं, यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन वगैरह होगा, ऊर्जा उत्पादन, जबकि मुल्ला पेरियार डैम का जो है राइट्स वो जाता है तमिलनाडु के पास में, ठीक है। साथ ही साथ में अगर बात करेंगे तो ये जो बांध है उसको लेकर दो चीजें, पहली चीज तो ये कि कुर्बन और जो कुर्थी पहाड़ियां हैं उसको लेकर ये आपका उसके बीचों बीच में इसका स्थित है, ठीक है। साथ ही साथ में क्या है, इसका प्रोडक्शन का ध्यान रखेंगे कि केरला राज्य विद्युत बोर्ड के पास में ये आपका स्ट्रक्चर आपको मिला हुआ है, ठीक है। चलिए आंसर क्या हो जाएगा, पहला और दूसरा आपका क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्योंकि पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट क्या है आपके, सही है। इतना क्लियर है, दिलखुश सैनी सर जी, सार्थक बैच लेना चाहता हूँ। तो देखो उससे संबंधित आपको जो भी कोई इशू आ रहा है, ठीक है, आप ऐसा करिए, अगर आपको कोई इशू आ रहा है, मेल वगैरह आपके पास नहीं हो पा रहा, देन आप ऐसे करिए, आप मेल कर दीजिए इस पर, ठीक है, razat.exampur@gmail.com, ठीक है, इस पर आप मेल कर दीजिए, ठीक है। क्लियर है सबका, आप क्या पढ़ा रहे हो, डेली के जो क्वेश्चंस रहते हैं ना, जनरली जो आपके चर्चा में रहते हैं, जो टॉपिक्स आपके पूछे जाते हैं और जो पूछे जा सकते हैं उनसे संबंधित आपके, ठीक है। चलिए अब आते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका निम्नांकित कथनों पर विचार कर असत्य कथन का चुनाव कीजिए। चलिए क्वेश्चन का आंसर करिए, ठीक है। हाल ही में एयरटेल से संबंधित आपने देखा होगा एक डिसीजन आपका दिया गया था, जो एयरटेल पेमेंट्स बैंक है
उसको आरबीआई एक्ट 1934 के दूसरे शेड्यूल में, अनुसूची दो में उसको शामिल करने की घोषणा की गई थी। तो पेमेंट्स बैंक को लेकर बात है, तो पेमेंट्स बैंक का बेसिकली जो स्ट्रक्चर जो आपका हमेशा रहा है या जिस वजह से वो ज्यादा चर्चा में रहे, वो रहे अपने उस डिजिटल पेमेंट्स की वजह से। आप इस्तेमाल करते हैं, आप पेटीएम का यूज कर रहे हैं या एयरटेल का यूज करते हैं, ठीक है, या फिर अन्य किसी आप ऐसी कोई भी ऐप बेस्ड सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं, तो ये सब दिमाग में आपके कहाँ से आए हैं? ये ट्रेडिशनली तौर पर तो नहीं आए हैं, आपने ऐसा तो देखा नहीं था कि गांव देहात में आपने देखा हो पेटीएम का स्ट्रक्चर। नहीं, पहले आपने उनको बड़े शहरों में देखा, मेट्रो सिटीज में देखा, टीयर वन टीयर टू सिटीज में देखा, तब जाकर आपको वो बाकी सिटीज में आपने उनको स्ट्रक्चर को देखा है। ठीक है, चलिए देखो, एयरटेल बैंक्स को ये दर्जा मिला है, किसका मिला है? जो एयरटेल पेमेंट बैंक्स है उसको अभी दर्जा मिला हो, किस बात का? कि उन्हें अनुसूचित बैंकों में शामिल, मतलब शेड्यूल्ड बैंक्स के अंतर्गत शामिल किया गया है। किसको? एयरटेल पेमेंट बैंक को। आरबीआई एक्ट 1934 के तहत, ठीक है, इस वजह से आपका ये चर्चा में था। अब आते हैं आपके स्टेटमेंट को लेकर, ठीक है। पहला था, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा देश में डिजिटल कैशलेस भुगतान की स्थिति के अध्ययन के लिए 10 व्यापक पैरामीटर्स पर आधारित एक समग्र डिजिटल भुगतान सूचकांक डिजिटल पेमेंट इंडेक्स डीपीआई जारी किया गया। दूसरा स्टेटमेंट, मर्चेंट एक्वायरिंग बैंक वे बैंक होते हैं जो एक व्यापारी या मर्चेंट की ओर से भुगतान को संसाधित करते हैं। तीसरा, पॉइंट ऑफ सेल वह स्थान है जहां ग्राहक द्वारा वस्तुओं या सेवाओं हेतु भुगतान किया जाता है। डी, देश भर में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में 500 करोड़ रुपए का भुगतान अवसंरचना विकास कोष स्थापित किया है। अब देखिए, स्टेटमेंट्स को लेकर बात करें तो शुरुआती दौर किसको लेकर बात थी? एयरटेल पेमेंट्स बैंक को लेकर बात करते हैं, ठीक है। तो एयरटेल पेमेंट्स बैंक को लेकर बात करें तो करेंटली में अगर आप इंडिया को लेकर बात करते हैं, एयरटेल बैंक के भारत जो एस्टेब्लिश, जो हमारा इनका इनका करेंट का जो इनका ग्रोथ है, वो ग्रोथ बहुत ज्यादा अच्छा है बाकी के मुकाबले। तिमाही तक आते आते बैंक अपने मुनाफे के स्ट्रक्चर में भी आ गया। ओवरऑल अगर स्ट्रक्चर को लेकर बात करें तो ऑलमोस्ट इनके पास में 11.5 करोड़ तक यूजर्स जो है इनके पास में, एक्टिव यूजर्स बेसिकली इनके पास में है, मतलब के 11.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो एयरटेल पेमेंट्स बैंक का आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। अब इनको जो राइट्स आपके मिले हैं, उन राइट्स से बेसिकली दो प्रकार की सुविधाएं, ये जो आरबीआई एक्ट के तहत देने जो अनुसूची में इनको शामिल किया गया है एज अ शेड्यूल बैंक के तौर पर, तो उसके माध्यम से इनको दो चीजें प्राप्त हो गई हैं। क्या? पहली चीज तो ये कि आरबीआई से बैंक रेट पर ऋण प्राप्त करना हेतु वैधता मिल गई। दूसरा, इनको जो क्लियरिंग हाउस है, ठीक है, उसकी सदस्यता इनको स्वतः तौर पर प्राप्त हो जाती है। तो ये दो चीजें इनको बेसिकली मूलभूत तौर पर मिलती हैं। बाकी और ज्यादा डिटेल में आपको जाना है, देन प्रतिबद्ध की आपकी क्लासेस चल रही हैं पीसीएस की, वहां पर आपकी इकोनॉमिक सेक्शन की आपकी क्लासेस होती हैं, मैं और मोनिका मैम दोनों क्लासेस लेते हैं, तो वहां पर जब भी मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड आपके चैप्टर रहेंगे या बैंकिंग से संबंधित, उसमें भी इन चीजों को बताया जाएगा। फिलहाल हम इसको कंक्लूड करते हैं। अब आते हैं आपके स्टेटमेंट्स को लेकर। तो पेमेंट्स बैंक के स्ट्रक्चर को लेकर बात करें तो पेमेंट्स बैंक को लेकर आपको जनरली क्या रहता है कि भैया जो बैंक ऐसे बैंक हैं जो कोई भी आपका लोन है, क्रेडिट कार्ड है, प्रदान नहीं कर सकते, लेकिन ये इस प्रकार के जो बैंक हैं वो बेसिकली चालू और बचत दोनों खातों को संभाल सकते हैं, ठीक है। भुगतान बैंक जो होंगे वो एटीएम, डेबिट कार्ड के साथ ऑनलाइन मोबाइल बैंकिंग ये सब सुविधा आपको प्रदान कर सकते हैं। उसके अलावा पेमेंट्स बैंक बेसिकली एक लिमिट तक ही आपके जमा स्वीकार करते हैं, मतलब जो आप डिपॉजिट्स करने वाले हैं, और उसकी जो अधिकतम सीमा है वो बेसिकली क्या है, 2 लाख रुपए तक है वर्तमान में, लेकिन भविष्य में इसको आपको बढ़ाया भी जा सकता है, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा स्टेटमेंट्स आपके आगे बढ़ाते हुए
इस एयरटेल पेमेंट्स बैंक का तो आपको लेकर बात होगी, पेमेंट्स बैंक को लेकर भी बात होगी। आरबीआई ने कुछ कुछ बेसिकली डिवाइडेशन किया हुआ है, ठीक है, आरबीआई ने एक डिवाइडेशन किया हुआ है, और वो आरबीआई का जो डिवाइडेशन है शहरी आधार पर, ठीक है, उन्होंने स्ट्रक्चर बनाया था। क्या स्ट्रक्चर बनाया था? टीयर वन, टू, थ्री, फोर, फाइव और सिक्स। टीयर वन में उन्होंने बेसिकली बात की थी कि ये जो आपका बेसिकली उन्होंने बताया था ना, ये जो आपका कोष वगैरह उन्होंने बनाया था पेमेंट्स बैंक वगैरह को लेकर, तो यहां पर उन्होंने भारतीय शहरों को अलग अलग स्ट्रक्चर में बांटा था। पहला स्ट्रक्चर उनका क्या था? उन्होंने कहा था कि टीयर वन के अंतर्गत वो लोग आएंगे जहां पर 1 लाख या अधिक जनसंख्या हो, ठीक, ऐसे शहरों के लिए अलग स्ट्रक्चर, 50K से 1 लाख, ठीक है, मतलब ऐसे शहर जहां पर 50,000 से लेकर बेसिकली आपका 1 लाख तक का, सॉरी 1 लाख नहीं, इसको आप 99,000 रखिए क्योंकि 1 लाख से तो ऊपर हो जाएगा, 99,999 का स्ट्रक्चर आपका आता हो, ठीक है। दूसरे स्ट्रक्चर में उन्होंने काउंट किया 20,000 से 49,999, ठीक, दूसरा 10,000 से आपका ये स्ट्रक्चर रखा गया था 19,999 का। वही पांचवें और छठे स्ट्रक्चर के लिए उन्होंने 5 से 9,999 और यहां पर इन्होंने 4,999 से कम तक का स्ट्रक्चर ही रखा हुआ था, ठीक है। ये आरबीआई ने स्ट्रक्चर अपना बनाया हुआ बैंकों को लेकर, ठीक है, इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा याद रखेंगे क्योंकि ये स्ट्रक्चर हमेशा जनरली पूछ लिया जाता है, ठीक है, वहां पर फिर आपको लगता है कि नहीं बहुत ज्यादा डीप पूछ लिया गया। जैसे कि इस बार आपको याद होगा आरबीआई ने एक क्वेश्चन आपका आया था प्रीलिम्स में ही, और वहां पर जो एनएसडीएल है, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, ठीक है, और वहां पर एक स्टेटमेंट आपका आया था, वो स्टेटमेंट आपका ये आया था कि इसके स्टेक होल्डर्स कौन कौन है, ठीक है, और स्टेक होल्डर्स में उन्होंने अलग अलग दे रखा था, आरबीआई का नाम दे दिया, ठीक है, सेवी वगैरह इस तरह से अलग अलग नाम दे दिए थे। तो वहां पर आप लोग क्या किया, मोस्ट ऑफ द लोगों ने किया कि वहां पर आरबीआई वगैरह का जो ऑप्शन था उसको आराम से क्लिक कर दिया, जबकि आरबीआई का दूर दूर तक उसमें नाम नहीं था। बैंकों का बेसिकली वहां स्ट्रक्चर दिया हुआ था कि जो एनएसडीएल है, जैसे कोई भी संस्थाएं आपकी बनी होती हैं तो कई दफा उन संस्थाओं के पीछे कुछ संस्थाएं काम करती हैं जो उसमें अलग अलग अपनी स्टेक होल्डिंग करती हैं, जैसे कि कोई कंपनी है तो उसके अंदर अलग अलग पार्टनर्स होते हैं, ठीक वैसे ही एनएसडीएल में अभी आपके अलग अलग पार्टनर्स हैं अलग अलग शेयर होल्डिंग के हिसाब से। तो ये स्ट्रक्चर पूछ लिया गया था, और ये स्ट्रक्चर कहीं पर भी किसी वेबसाइट पर नहीं दिया था, ना ही किसी भी कोचिंग की वेबसाइट पर, ना किसी के कोचिंग मटेरियल में, ये स्टेटमेंट कहीं पर नहीं था। नहीं तो जाके देख लीजिए अब से पहले का डेटा, मैं बात करूं पेपर से पहले का, पेपर के बाद तो बहुतों ने अपडेट करके डाल दिया, लेकिन पेपर से पहले किसी भी वेब पेजेस पर ये चीज नहीं थी, क्योंकि जिस दिन पेपर सॉल्व हो रहा था हम लोगों ने खुद इस चीज को देखा था, इवन पर्सनली मैंने इस चीज को देखा था कि ये डेटा कहीं पर नहीं था। सिर्फ किस पर था ये डेटा? सिर्फ उन्होंने दिया हुआ था अपनी खुद की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो एनएसडीएल की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पर ये डेटा दिया हुआ था कि एनएसडीएल के अंतर्गत कौन कौन सी संस्थाएं जो है बैकएंड में उसके काम कर रही हैं। अब आप बताइए पढ़ना अच्छा है कि धोखा देना खुद को ज्यादा अच्छा है? तो कहीं पर कुछ अगर ऐसे स्ट्रक्चर आते हैं और उनको उनसे आप बच रहे हैं, यकीन मानिए कि आप पेपर से भी बिल्कुल उतनी ही दूरी बना रहे हैं, फाइनल एग्जाम क्वालिफिकेशन से भी आप उतनी ही दूरी बना रहे हैं। चलिए अब आपके स्टेटमेंट इतने क्लियर हो गए, अब आते हैं नेक्स्ट आपके पहले स्टेटमेंट पर। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत है क्योंकि 10 नहीं बल्कि आपके क्या है, ये 5 बेसिकली आपके स्ट्रक्चर बनाए गए हैं। 5 में क्या क्या बनाया गया स्ट्रक्चर? तो सबसे पहले स्ट्रक्चर में जो हमने बात की गई है उसमें बात की गई है भुगतान एनेबलर्स, जो भुगतान को करने वाले लोग हैं, ठीक है, मतलब जो आप अवेलेबल कराने वाले हैं, ठीक। दूसरा भुगतान की संरचना डिमांड साइड से और भुगतान की संरचना सप्लाई साइड से, ठीक है, आपूर्ति पक्ष और मांग पक्ष दोनों से लेकर।
तीसरा मतलब चौथा भुगतान का जो प्रदर्शन है, बेसिकली ओवरऑल जितने ट्रांजेक्शन आपके होते हैं उनका परफॉर्मेंस क्या है, चाहे उनकी टाइमिंग को लेकर बात की जाए, ठीक है, चाहे उनके जो फेलियर्स होते हैं, कई दफा आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि पेमेंट वगैरह फेल नहीं होते। आरबीआई ने जो डिजिटल इंडेक्स बनाया वो बेसिकली बहुत सारी चीजों को कवर करता है और वो बहुत व्यवहारिक चीजें हैं। वो व्यवहारिक चीजें क्या है, आपने कई दफा देखा होगा कि आप पेमेंट्स करते हैं ऑनलाइन, ठीक है, और पेमेंट करने के बाद में या तो पेमेंट पहुंचता नहीं है, पेमेंट रुक जाता है, पैसे कट जाते हैं, बट पेमेंट आपका आगे प्रोसीड नहीं होता। दूसरा, पैसे अगर कट गए तो तुरंत पैसे वापस आना या 48 घंटे लगना, एक हफ्ता लगना, या फिर कभी कभी पूरा पूरा साल हो जाता है, साल के एंड में जाकर वो समाशोधन हो रहा है, नहीं तो आपको कंप्लेंट करना पड़ता है। और ऐसी कई सारी कंप्लेंट्स आपकी आपको आरबीआई के चैनल पर मिल जाएंगी। इवन तो मैं भी खुद कर रहा हूं कि मैंने एक ही पेमेंट को दो दो बार काटा गया और पेमेंट एक डेढ़ साल तक नहीं आया, अब उसको लेकर कंप्लेंट्स आप करते रहिए। तो ये जो इस तरह के इंडेक्सेस हैं, वो इंडेक्सेस इसीलिए क्रिएट किए गए थे जिससे कि यहाँ पर ये क्लियर हो सके कि ये जो ऑनलाइन पेमेंट्स वगैरह हो रहे हैं उसको लेकर क्या क्या है। और आरबीआई अकेला ऐसा ये काम नहीं करता, आरबीआई इसके अलावा और भी रिपोर्ट्स जारी करता है। आरबीआई का काम न सिर्फ बैंकों के ऊपर निगरानी करना, बैंकों को सपोर्ट करना, सरकार के लिए एज अ बैंकर के तौर पर काम करना, बल्कि देश के अंदर जो भी वित्तीय संरचना है उस संरचना के अंतर्गत होने वाले जो भी अलग अलग आधार है उनके संबंध में रिपोर्ट भी प्रकाशित करता है। आरबीआई का खुद का अपना इंस्टीट्यूट भी है जो पढ़ाई लिखाई कर रहा है प्रॉपरली। पढ़ाई लिखाई करने का मतलब यह है कि वो शोध भी कर रहे हैं, नई नई चीजों पर काम भी कर रहे हैं, ठीक है, कि किस प्रकार से नई मौद्रिक नीतियां हो या वर्तमान में जो व्यवहारिक बदलाव आ रहे हैं भारत की अर्थव्यवस्था में, हमारे लोगों के जो तौर तरीके, क्योंकि आपका जो तौर तरीका है पैसे को खर्च करने का या मेरा जो तौर तरीका है वो समग्र तौर पर देश को प्रभावित करेंगे और आरबीआई उसके लिए जिम्मेदार है उन चीजों को लेकर, ठीक है। तो आरबीआई बहुत सारी चीजें जारी करता है, जैसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट हाफ एन ईयर पर ये जारी की जाती है, हर छह महीने पर, ठीक है, मौद्रिक रिपोर्ट ये भी अर्धवार्षिक रिपोर्टों में शामिल होती है, उसके अलावा विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति क्या है आपकी ये रिपोर्ट भी जारी करता है वो हर छह महीने पर, उसके अलावा उपभोक्ता विश्वास रिपोर्ट के लोगों का वर्तमान में क्या विश्वास है वित्तीय संरचना के ऊपर, ये भी वो हर तीन महीने पर इस तरह की रिपोर्ट्स को प्रोवाइड करता है। उसके अलावा परिवार संबंधी मौद्रिक स्फीति मुद्रा स्फीति की जो प्रत्याशा रिपोर्ट है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, ठीक है, कितना कितना इन्फ्लेशन रेट जा सकता है, उसको लेकर भी रिपोर्ट प्रोवाइड करता है आरबीआई, ठीक है। तो आरबीआई बहुत संबंधों में काम करता है। स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्योंकि यहाँ स्टेटमेंट ये आपका गलत दिया गया था, ठीक है, बाकी स्टेटमेंट्स आपके सही है, वहां पर कोई एक्सप्लेनेशन की फिलहाल जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नांकित कथनों पर विचार कर असत्य कथन का चुनाव करिए। क्वेश्चन को पढ़िए देन आंसर करिए। चलिए अब आते हैं स्टेटमेंट्स को लेकर। बेसिकली एनपीआर को लेकर जो डेटा वगैरह आपके प्रोवाइड होते हैं, जो संग्रहण किया जाता है डेटा, उन सबको फिलहाल सितंबर तक के लिए, ठीक है, संग्रह प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है फिलहाल में, ठीक है। उसके अलावा एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जब भी जनसंख्या का आपका डेटा कलेक्शन होना शुरू होता है, मतलब कि जनगणना की ये जो प्रकृति है वो शुरू होती है, उससे लगभग न्यूनतम 3 महीने पहले, कम से कम 3 महीने पहले जो आपकी प्रक्रियाएं होती हैं, प्रक्रियाएं लाइक के कोई तालुका है आपकी, ठीक है, तहसील वगैरह, थाना क्षेत्र वगैरह है आपके, ठीक है,
या फिर आपके पुलिस स्टेशन वगैरह हैं, तो उनकी जो अधिकार सीमाएं होती हैं उनको फ्रीज कर दिया जाता है अनिवार्य तौर पर, ठीक है, कम से कम 3 महीने पहले ये सब प्रोसीड आपका किया जाता है, ठीक है। अब आते हैं स्टेटमेंट्स को लेकर। पहला स्टेटमेंट था कि एनपीआर का जो उद्देश्य है वो देश के आम नागरिक की विस्तृत पहचान का डेटाबेस तैयार करना और भारत के प्रत्येक सामान्य निवासी के लिए राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर में पंजीकरण कराना वैकल्पिक होता है। दूसरा स्टेटमेंट, जनगणना के माध्यम से समान वितरण विवरण एकत्र किया जाता है, किंतु जनगणना अधिनियम 1948 की धारा 15 के अनुसार जनगणना में एकत्र की गई सभी व्यक्तिगत स्तर की जानकारी गोपनीय होती है और एकत्रित डेटा को केवल विभिन्न प्रशासनिक स्तरों पर ही जारी किया जाता है। तीसरा, गृह मंत्रालय के अनुसार देश का सामान्य निवासी, यहाँ जो टर्म दिया गया ना सामान्य निवासी, सामान्य निवासी को निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया गया है और वो है कि वह व्यक्ति जो कम से कम पिछले 6 महीनों से किसी स्थानीय क्षेत्र में रहता है अथवा अगले 6 महीने या उससे अधिक समय के तक के लिए किसी विशेष स्थान पर रहने का इरादा रखता है उसको बोला जाएगा सामान्य निवासी, ठीक है। चलिए इस डेफिनेशन को याद रखना। डी आपका, भारत में दशकीय जनगणना के संचालन का जो दायित्व है वो भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन महापंजीयक जनगणना आयुक्त कार्यालय को सौंपा गया। देखो जनगणना की शुरुआत तो 1872 में हो गई थी ब्रिटिशर्स के टाइम पर, तब उनका मोटिव कुछ और था। उनका मोटिव ये था कि पहले पता करें इस देश में कितने वर्ग हैं, कितनी जातियां हैं, कैसे कैसे स्तर पर यहाँ पर वितरण हो रखा है, जिससे कि हम उनके हिसाब से उनको डील कर पाए और डील करने के हिसाब से फिर क्या करें एक डिवाइड एंड रूल वाला फॉर्मेशन कर सकें। उनको समुदाय का पता था कि भारत में हिंदू और मुस्लिम समुदाय, बट हिंदुओं के अंदर भी डिवाइडेशन है या मुस्लिम्स के अंदर भी डिवाइडेशन है या बाकी अलग धर्मों में भी क्या डिवाइडेशन है, उन सब का डेटा भी उन्होंने कलेक्ट करना शुरू किया। इवन दो वो आदिवासियों का भी डेटा कलेक्ट करना चाहते थे कि जो बाकी के जो जंगलात में रहने वाले समूह हैं इनको लेकर हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। वर्तमान में जनगणना क्यों की जाती है, उसके पीछे का उद्देश्य अलग है। उसका उद्देश्य है सोशल सिक्योरिटी। जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि कितनी जो जो लिंगानुपात है वो गाँव में कैसा है, शहरों में कैसा है, ठीक है, उस लिंगानुपात के साथ में क्या ये भी जुड़ता है कि जो जॉइंट फैमिलीज है वहाँ लिंगानुपात ठीक होता है, ठीक है, मतलब कि ग्रामीण इलाकों में लिंगानुपात ठीक है, शहरी में कम है, कितनी शहरों में जॉइंट फैमिलीज रहती हैं, गांव के अंदर जॉइंट फैमिली ज़्यादा हैं या न्यूक्लियस फैमिली ज़्यादा हैं, ठीक, किस वर्ग के लोग, चाहे वो स्वास्थ्य के स्तर पर जैसे वृद्ध हैं, विकलांग हैं, ठीक है, सामाजिक स्तर पर कोई लोग हैं जैसे कितने लोग जो है विडोर्ड कंडीशन में हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो अनमैरिड कंडीशन में हैं, ठीक है, तो इन सब के आधार पर सरकार जो है डेटा अपना तैयार करती है, ठीक है। अब आते हैं आपके स्टेटमेंट्स को लेकर। स्टेटमेंट्स आपका था, पहला स्टेटमेंट आपका क्या था बेसिकली, पहला स्टेटमेंट था कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर का जो उद्देश्य है प्रत्येक आम नागरिक की विस्तृत पहचान का डेटाबेस तैयार करना और भारत के प्रत्येक सामान्य निवासी के लिए राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर में पंजीकरण कराना वैकल्पिक होता है, गलत है। आपको राष्ट्रीय जनसंख्या जो रजिस्टर है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जो एनपीआर है, उसमें पंजीकरण कराना अनिवार्य है, ना कि वैकल्पिक है, ठीक है। बहुत छोटा सा टर्म था एंड आप में से किसी ने भी आंसर इसका नहीं किया था कि ए स्टेटमेंट है, किसी ने भी नहीं किया था। आप में से किसी ने भी ए स्टेटमेंट नहीं, मेरे को लगता है, आंसर किया। दूसरा स्टेटमेंट था कि जनगणना के माध्यम से समान वितरण विवरण एकत्र किया जाता है, किंतु जनगणना अधिनियम 1948 की धारा 15 के अनुसार जनगणना एकत्र की गई सभी व्यक्ति की जानकारी गोपनीय होती है और एकत्रित डेटा को केवल विभिन्न प्रशासनिक स्तरों पर जारी किया जाता है। अब ये जो विभिन्न प्रशासनिक स्तरों पर जारी करने का मतलब क्या है, जैसे कि कोई योजना बन रही है आपकी सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय की, तो उन लोगों के पास में वो पर्टिकुलर डेटा होना चाहिए कास्ट सेंस, कास्ट संबंधी, ठीक है, कि कितने अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रहते हैं किस क्षेत्र में, कितने आपके बहुसंख्यक समुदाय हैं, ठीक है, और इस क्षेत्र में पर्टिकुलर या इस राज्य में कितनी पॉपुलेशन, क्योंकि हर राज्य के हिसाब से भी जो माइनॉरिटी और मेजोरिटी का स्टेटस है उसमें थोड़े से चेंजेस आपको देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। दूसरी चीज है, इन्हीं डेटा के आधार पर ही तो आप योजनाएं ला पाते हैं। हम एक बात बताओ, कोई व्यक्ति आए और आके कहे हम इस देश में 20 करोड़ विकलांगों को क्या कर देंगे, इंजीनियर कौशल विकास योजनाओं में उनको सम्मिलित करेंगे। 20 करोड़ बहुत बड़ा टारगेट हो गया। 20 करोड़ हो सकता है उतने लाभार्थी निकल के भी ना आ पाए या उतना डेटा खोजा भी ना जा सके। तो
तो ये जो टारगेट सेट किए जाते हैं वो इस आधार पर ही सेट किए जाते हैं कि कितने वास्तविक लोग हैं वर्तमान में जो इसकी पात्रता को ग्रहण कर सकते हैं या इसके अनुसार उन योजनाओं को उनको लाभ आपका दिया जा सकता है। ठीक है। दूसरा, गृह मंत्रालय के अनुसार देश का जो सामान्य निवासी है, ठीक है, उसको दर्शाए किस आधार पर कि वह व्यक्ति जो कम से कम पिछले 6 महीनों से किसी स्थानीय क्षेत्र में रहता है अथवा अगले 6 महीने या उससे अधिक समय किसी विशेष क्षेत्र में रहने का, विशेष स्थान पर रहने का इरादा रखता है। देखो, तो जनगणना का जो स्टेटमेंट है उसको लेकर ध्यान रखें, तो जनगणना आज की नहीं है। ये बताया जाता है कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र था, ठीक है, उस में भी जनगणना के उद्देश्यों को लिखा गया था, उसमें भी इन चीज़ों को दर्शाया गया था कि जनगणना क्यों जरूरी है। ठीक है, ये बात अलग है कि भारत में अगर आप संपूर्ण जनगणना को लेकर बात करें तो 1872 नहीं बल्कि 1881 को काउंट किया जाता है। ठीक है, 1872 संपूर्ण जनगणना में काउंट नहीं होता है। अब उसके बाद आते हैं आपके स्टेटमेंट्स को लेकर। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर जो बेसिकली है वो क्या कहता है, तो राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर का बेसिकली ये था कि इसमें कुछ और चीजें भी शामिल की गई थी, जैसे इसका जो अगला चरण था बेसिकली, ठीक है, इसमें क्या था कि इसमें गांव स्तर से लेकर आपके स्थान वगैरह सबका विवरण दर्ज किया जाना था, जन्म मृत्यु प्रवास इन सबको काउंट करने के लिए कि कितने हमारे देश में डेथ रेट है, ठीक है, कितनी डेथ्स हुई या फिर कितने आपके यहाँ पर जन्म लिए गए, बर्थ रेट, ठीक है, और कितना आपके यहाँ पर माइग्रेशन पैटर्न है। तो ये सब पता करने के लिए जिस डेटा का इस्तेमाल किया जाता है वो किया जाता है NPR का, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का। और इसी में काउंट की, इसी में बात की गई थी कि 2021 के इसके अगले चरण में यहाँ पर हम मकान का सूचीकरण भी करना शुरू करेंगे। मकान का सूचीकरण मतलब कि कितने लोगों के पास में मकान है, ठीक है, कितने घर वाले मकान है। जैसे आपने देखा होगा, मैं खुद अपना आपको बताता हूँ कि NPR का कुछ डेटा काउंट होना था, घर पर आए हुए थे और वो पूछते आते ही आते कि भैया आप ये बताइए आपके घर में कितने कमरे हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये सारा स्ट्रक्चर जो पूछने का था, सारा डेटा पूछने का, वो इसलिए भी था कि भाई कितने लोग ऐसे हैं जो 4 कमरों वाले मकान में रहते हैं, ठीक है, आप कितने घर ऐसे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो 2 कमरों वाले मकान में रहते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो 5 से अधिक कमरों वाले मकान में रहते हैं। तो ये जो कैटेगराइजेशन किया जाता है वो इसलिए भी किया जाता है कि जब आप टारगेट रखेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना का, ठीक है, तो वो किस आधार पर आप रखेंगे। आप जो सरकारी योजनाएं लाएंगे आवास की, हाउसिंग की, जो भी आप योजनाएं लाएंगे उनके लिए जरूरी है दैट यू हैव सम डेटा अबाउट द कि कितने लोग हाउस, जो कितने ऐसे हाउस होल्ड्स हैं इनके पास में 5 कमरों वाला घर है, 4 कमरों वाला घर है, 3 कमरों वाला घर है या 1 कमरे वाले घर में वो लोग अपना जीवन यापन करते हैं। टीयर वन और टीयर टू सिटीज़ के अंदर क्या स्ट्रक्चर है, इसीलिए हर शहर का, हर जगह का डेटा, देखो पहले डेटा कलेक्ट होगा फिर उसको क्लासिफिकेशन किया जाता है और उसके आधार पर योजनाओं को तैयार किया जाता है। वरना इस तरह से ऐसा तो कोई भी योजना को लागू कर देना कोई मतलब नहीं बनेगा। तो जो पीछे स्ट्रक्चर होता है वो यही होता है। इसीलिए देश में आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द जो स्कीम्स रही हैं उनका कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर रहता है अगर उसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से हो जाए। चलिए, ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्लियर है। अगला क्वेश्चन है आपका, आंसर तो क्लियर, इसका आंसर क्लियर हो गया ना आपका। आंसर अगला कौन सा था, ए आपका। अगला क्वेश्चन है आपका सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़िए देन इसका आंसर करिए। बड़ा चर्चा में रहा था, मैंने इसको लेकर ऑलरेडी आपका एक संडे में वीडियो भी बनाया था, ठीक है, वो चीज़ भी आप बताइएगा। संडे में इसका एक वीडियो भी बनाया था कजाकिस्तान को लेकर, कजाकिस्तान अनरेस्ट, ठीक है, कई सारे आर्टिकल्स आपके चर्चा में चल रहे थे जिस वजह से आपका ही चर्चा में था। ठीक है, चलिए देखो शुरुआत करते हैं। सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन CSTO, CSTO कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये चर्चा में आया था आपके कजाकिस्तान अनरेस्ट की वजह से। ठीक है, कजाकिस्तान में अभी एक बड़ा टर्म चल रहा था जिसको बोला गया था शकटेल, और इस शकटेल जो टर्म है वो बेसिकली ये था ओल्ड मैन मस्ट गो, जो पुराने बुजुर्ग हैं उनको इस देश से जाना चाहिए, हमारी सत्ता से अब उनको दूर हो जाना चाहिए। तो नूर सुल्तान अजरबायव, जिस वजह से जिनको ही बेसिकली बोला जा रहा था कि ओल्ड मैन मस्ट गो, वो चर्चा में थे। और ये सब जो क्रिएट हुआ था वो क्रिएट हुआ था जोमैटो की गलती की वजह से।
जुमारतोग ने बेसिकली क्या किया, जो वर्तमान वहां के राष्ट्रपति है कजाकिस्तान के, उन्होंने जैसे ही कजाकिस्तान के अंदर हिंसा वाले हालात पैदा हुए, उन्होंने लगभग 2500 जो बल जो कि CSTO के अंतर्गत आते हैं उनको कजाकिस्तान में प्रवेश की अनुमति दी और साथ ही साथ में उनको हालात संभालने के लिए पूरी की पूरी पावर साहब की रिलीज कर दी। साथ ही साथ में उन्होंने एक आदेश जारी किया और वो आदेश था सूट एट साइट। ठीक है, अब ये जो सूट एट साइट का उन्होंने ऑर्डर दिया, उस ऑर्डर की वजह से भी लोग ज्यादा उसमें आ गए, फ्राइटेन हुए। साथ ही साथ में CSTO के कजाकिस्तान में अंदर आने से जो लोग खास करके उस तबके से संबंधित थे जो बेसिकली अब तक बात कर रहे थे इसको लेकर कि कजाकिस्तान को विदेशी ताकतों के हाथों बेचा जा रहा है, कजाकिस्तान में जो प्रोटेस्ट का जो रीजन था वो रीजन था बहुत बड़ा रीजन चाइना। कैसे था, किस लिए था, इसको लेकर बात करते शुरुआत करते 1990 की। ठीक है, वर्ष 1990 में नूर सुल्तान नजरबायेव जो थे उनको वहां का राष्ट्रपति बनाया गया। ठीक, और वो जो राष्ट्रपति बने, वो जिस चुनाव के थ्रू राष्ट्रपति बने थे वो अविवादित चुनाव था जिनमें कि उनको 98% वोट मिले थे। ठीक है, और उस वैलेट पेपर पर उनके अलावा किसी और का नाम भी नहीं था। ठीक, 2019 तक आते आते उन्होंने अपनी सत्ता को छोड़ दिया नूर सुल्तान नजरबायेव ने, बट फिर भी वहां पर सीनेट की अध्यक्षता में बने रहे। अब बात करते हैं इन हालातों को लेकर के उन्होंने क्यों छोड़ा। शुरुआत करते हैं कजाकिस्तान के सबसे पहले अनरेस्ट 2011 से। 2011 में कजाकिस्तान के 3 से ज्यादा शहरों में श्रमिक आंदोलनों की शुरुआत हुई जो कि न्यूनतम वेतन दरों को लेकर और साथ ही साथ में सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स को दिए जाने को लेकर बात थी। उनकी मांग थी कि भैया हमको जो जो मजदूरी की दरें हैं वो हमारी बढ़ाइए, दूसरा हमारे जो सोशल सिक्योरिटीज़ हैं उनका जैसे कर्मचारी बीमा होना है, ठीक है, परिवार का अस्पताल का खर्चा है, बच्चों की शिक्षा के ऊपर होने वाला खर्चा है, उन सब सुविधाओं को भी दिया जाए। ठीक, तो ये 2011 में सबसे पहला राइट्स हुआ। कजाकिस्तान में ऑलरेडी ही लोगों की कई सारी समस्याएं थी, जैसे कि वो सरकार के खिलाफ अगर बात करना चाहते थे दे कांट इवन प्रोटेस्ट, दे कांट इवन टॉक, दे कांट इवन राइट इन न्यूज़पेपर्स, आर्टिकल्स, ब्लॉग्स, वेबसाइट, क्योंकि जब पूरी दुनिया में ट्यूनिशिया से जो शुरुआत हुई थी अरब स्प्रिंग की, उस समय पर भी कजाकिस्तान में इस प्रकार की चिंगारियां, मतलब एक सुगबुगाहट चल रही थी कि हमें जो वर्तमान का ये जो हमारे राष्ट्रपति हैं जो 1990 से बने हुए थे लगातार, उनको हटाना है, क्योंकि उनके 10-15 साल के रिजाइम में 1998 के बाद से ही कजाकिस्तान में कई सारी समस्याएं निकल कर आने लगी। देखो, किसी भी देश में सिर्फ लोगों को पेट भर खाना अगर मिल रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि लोगों की कुछ मांगे और नहीं होंगी। जहां पर लोगों को पेट भर खाने से लेकर बाकी सारी तमाम सुविधाएं मिलती हैं वहां पर भी लोग प्रोटेस्ट करते हैं, और वहां पर जो प्रोटेस्ट का रीजन होता है वो होता है उनके नागरिक अधिकार, और वो नागरिक अधिकार कई सारी चीजों से जुड़े होते हैं। तो इन नागरिक अधिकारों से जो मांग की शुरुआत हुई उसमें और भी चीजें जुड़ी, श्रमिक आंदोलन जुड़े। उसके बाद कजाकिस्तान में लाया गया एक एक्ट जो कि विदेशी लोगों को 25 साल तक जमीन लीज पर लेने का अधिकार देता था, और अधिकार से सबसे ज्यादा बेनिफिट होने वाले जो लोग थे वो थे चाइनीज इन्वेस्टर्स। ठीक, ये एक्ट आया, उसके विरोध में भी वहां पर लोगों ने हंगामा खड़ा किया, उसको नजरअंदाज किया गया, प्रदर्शन हुए, गिरफ्तारियां की गई, कई सारे रिपोर्टर्स को बिना किसी सबूत के बिना पर सिर्फ सांकेतिक प्रदर्शन करने के नाम पर भी वहां पर अरेस्ट किया गया, कई सारे NGOs को बंद किया गया, साथ ही साथ में लोगों के ऊपर दबाव बनाया गया, जो प्रभुत्वशाली थोड़े से लोग थे जो कि सरकार के खिलाफ झंडा उठा सकते थे उनके ठिकानों पर छापेमारी करवाना, ठीक है, एनफोर्समेंट एजेंसीज का उनके पीछे लगाना, उन लोगों को लगातार इंटेलिजेंस के द्वारा परेशान किया जाना, ये सारी चीजें कजाकिस्तान में चलती रही और ये अंदरूनी स्तर पर चलती रही, बाहर इसकी चर्चाएं बहुत कम हो पाई। उसके बाद में कजाकिस्तान में वो दौर आया जब 2014 ये जो लैंड लीज एक्ट के बाद में वहां पर एक साथ में लोगों ने इकट्ठा होकर लगभग 400 से 500 लोगों ने प्रदर्शन किया, उन लोगों को भी अरेस्ट किया गया। उसके बाद जो नई वर्तमान की जो हालत पैदा हुए वो पैदा हुए 2020 के बाद से। 2020 से जब से कोविड का इम्पैक्ट रहा वहां पर इन्फ्लेशन रेट 9% से भी ज्यादा बढ़ गया, केंद्रीय जो ब्याज दरें हैं वो 9.5% से भी ज्यादा बढ़ा दी गई, ये लोगों को ज्यादा इम्पैक्ट करता है। केंद्रीय ब्याज दरें बढ़ जाती हैं, अगर बैंकों की जो केंद्रीय बैंक की ब्याज दरें हैं वो बढ़ जाती हैं, लोन चुकाने में दिक्कत, लोन ज्यादा चुकाना पड़ेगा और महंगाई रेट भी बढ़ा हुआ है, उसको लेकर जो अंतिम बोला जाए ना ताबूत में जो कील ठुकी है
ये वर्तमान में वो ठकी थी उनके एलपीजी के रेट बढ़ाने से। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने राज्य की जो सब्सिडी थी, जो सब्सिडी दी जाती थी, सब्सिडी को हटा लिया। उन्होंने रेट नहीं बढ़ाए थे, उन्होंने सब्सिडी को हटा लिया। सब्सिडी हटाने से क्या हुआ, कीमतें बढ़ गई और मोस्ट ऑफ द वाहनों में वो उसी का इस्तेमाल करते थे। अब ऐसे में जब फ्यूल रेट्स बढ़ जाते हैं और फ्यूल सबसे ज्यादा जरूरी है भाई, तो उसकी वजह से लोगों ने वहां पर विद्रोह प्रदर्शन करना शुरू किए। हालांकि इसके पीछे और भी कई सारे विवाद रहे, जैसे कि वहां पर, ये बात है असल 2018-19 की, वहां पर एक हेल्थ स्कीम लाई गई थी हेल्थ डिजिटाइजेशन के नाम पर, जिसमें के हजारों करोड़ का हेर फेर किया गया था उस डिजिटाइजेशन के नाम पर। हालांकि वो तब तत्कालीन जो स्वास्थ्य मंत्री थे उनका इस्तीफा दिलवा दिया गया, बट फिर भी क्या रहा, वहाँ का जो हेल्थ स्ट्रक्चर है, सोशल सिक्योरिटी स्ट्रक्चर है, वो लगातार खराब पे खराब होता चला गया। ठीक है, जिस वजह से कजाकिस्तान के वर्तमान हालात आपके ऐसे हैं। ठीक है, अब स्टेटमेंट पर आते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या था कि वर्तमान में आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूसी संघ और तजाकिस्तान सीएसटीओ के सदस्य हैं, ये सही है। दूसरा, यह छह देशों का अंतर सरकारी सैन्य संगठन है, उसका गठन वर्ष 2002 में हुआ। ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। तीसरा, सीएसटीओ में एक सदस्य देश के खिलाफ हमले की सभी सदस्यों के खिलाफ आक्रामक तौर पर माना जाता है, ये स्टेटमेंट सही है, बट इसको लेकर अभी भी कोई आधिकारिक तौर पर वहां पर मैंडेट में नहीं दिया गया, बट व्यवहारिक तौर पर ये चीजें आपकी चलती हैं। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी आपका, सभी कथन। उसके अलावा याद रखेंगे कि सीएसटीओ के एज अ ऑब्जर्वर के तौर पर आपका सर्बिया एंड आपका अफगानिस्तान, अफगानिस्तान आपको तालिबान से याद होगा और सर्बिया याद होगा आपका नोवाक जोकोविच से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। इनमें से कौन से देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल हैं, सही कूट का चुनाव करिए। चलिए क्वेश्चन का आंसर करिए, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में इनमें से कौन कौन से देश आपके शामिल हैं। आधा सही है मेरा शिवा, आधे नंबरों से थोड़ा कोई पास हो जाता है। हाँ, ये बात जरूर है कि सिविल की ऑन द एंड जो लिस्ट होती है, जो टोटल प्राप्त अंक में से आधे नंबर भी पा गया तो टॉप 100 के टॉप 50 में शामिल हो जाते हैं, इतनी मेरिट कम होती है। देखिए, हॉर्न ऑफ अफ्रीका को लेकर कुछ कुछ चीजें आपकी शामिल हैं, जैसे कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका अपने देशों की वजह से चर्चा में ज्यादा रहता है। इसके जो आपके देश हैं, इरिट्रिया, इथियोपिया, सोमालिया और आपका जिबूती, ये चार देश आपके हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल होते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 4 ए। अब समझ लेते हैं इन दोनों से संबंधों को लेकर। इथियोपिया और इंडिया का बहुत लंबा रिश्ता रहा है, खासकर वहां पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कराने में। दूसरा रिश्ता इथियोपिया का वर्तमान के WHO के जो चीफ हैं उनके साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो वहां के फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर रह चुके हैं और उनके ऊपर आरोप लगे हैं चीन का साथ देने के, कि WHO ने अवॉइड किया था इस चाइनीज सिचुएशन अबाउट कोविड। ठीक है, इस बात के ऊपर आरोप लगे, क्यों आरोप ये लगे कि इथियोपिया में अब चीन का भी इंटरेस्ट है। देखो, जहां जहां भारत में इंटरेस्ट आपका रहता है, ठीक है, वहां वहां पर चीन का भी इंटरेस्ट आपका रहता है। मैपिंग में भी करवा दूंगा, समझा रहा हूं मैपिंग का भी। ठीक है, तो ये बेसिकली दो स्ट्रक्चर है। इथियोपिया का इतना ज्यादा स्ट्रक्चर है इंडिया के साथ में कि वहां पर कई सारी सरकारी जो उनकी योजनाएं हैं, खास करके कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई, उनमें भारत की तरफ से कई सारे लोगों को लगाया जाता है। इवन तो हमारे जानने वाले मित्र हैं, उन्होंने भी इथियोपिया में एज अ एग्रीकल्चर
प्रोफेसर के तौर पर जॉब किया है जो भारत सरकार की तरफ से वहां पर भेजे गए थे। तो भारत वहां पर कृषि के संबंध में बहुत ज्यादा काम करता है। इवन दो इथियोपिया का जो सबसे बिगेस्ट डैम बना था वहां पर भी भारत सरकार के शुरुआती दौर में सपोर्ट वहां पर किया गया। अब आते हैं सोमालिया को लेकर। सोमालिया राजधानी है मोगादिशु, ठीक। बट अगर आप बात करें तो सोमालिया के अंदर चलने वाली जो प्रेजेंट सरकार है वो सोमालिया के अंदर नहीं बल्कि सोमालिया के बाहर है। जी हाँ, सोमालिया के वो लोग जो सोमालिया को छोड़ चुके हैं, क्योंकि सोमालिया के हालात बद से बदतर हालातों में शामिल होते हैं। आप में से जिन लोगों ने ब्लैक हॉक डाउन नामक एक मूवी आई थी हॉलीवुड की, वो अगर देखी होगी देन आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, बट फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। सोमालिया को बोला जाता है द हब ऑफ पायरेट्स, सी पायरेट्स, ठीक है, मतलब समुद्री डाकियों का अड्डा बेसिकली सोमालिया को बोला जाता है। और हमेशा जब भी आपने सुना होगा समुद्री डाकुओं को लेकर या समुद्री डकैतियों को लेकर, तो वहां पर हमेशा सोमालिया का ही नाम आता है। क्यों आता है? क्योंकि सोमालिया के जो हालात हैं वो बेसिकली वहां के आंतरिक नरसंहार और खास करके अफ्रीका क्षेत्र के जो नरसंहार है बेसिकली उनमें सोमालिया के हालात सूडान से भी ज्यादा खराब है। हाँ, ये बात जरूर है कि वहां पर लगातार सरकारें एस्टेब्लिश की जा रही है, जैसे वर्तमान में जो सोमालिया की सरकार है वो सोमालिया के अंदर नहीं, सोमालिया से बाहर रहकर ऑपरेट कर रही है और उसको सपोर्ट है पीछे से अमेरिका का। सोमालिया के अंदर यूनाइटेड नेशंस के और जो है ऑपरेशंस भी चल रहे हैं, ठीक है। उससे पहले सोमालिया के अंदर भी यूएस मिलिट्री के द्वारा कार्रवाई की गई थी आपके समुद्री पायरेसी को लेकर, ठीक है। कई सारी इसको लेकर मूवीज बनी थी और रियलिस्टिक बेसिस पर वो मूवीज है। अब मैपिंग वाले सेक्शन में आ जाते हैं। अब मैपिंग का बोल रहे थे ना, तो देखिए आपके जो चार देश हैं वो आपके बनाते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका को। कौन कौन से? इरिट्रिया, जिबूती, इथियोपिया, सोमालिया, ठीक है। ये चार देश जो हैं वो आपके इसको बनाते हैं, किसको? हॉर्न ऑफ अफ्रीका इनको बेसिकली बोला जाता है, ठीक है, अफ्रीका का कान। अब आ जाते हैं इनसे संबंधित क्षेत्रों को लेकर। तो ये यहाँ से जो क्षेत्र आपका शुरू होता है, सोमालिया हो, इरिट्रिया हो, जिबूती हो, सूडान हो, चाड हो, ठीक है, और ये आपका सीआर हो, ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है बेसिकली, अभी फुल मैप नहीं है, तो ये पूरी की जो बीच बेल्ट है ये दुनिया के सबसे बड़े नस्लीय और धार्मिक नरसंहार की जगहों में से एक है। पूरी दुनिया के सबसे बड़े जो दंगे हैं और पूरी दुनिया का सबसे भीवत्स जो नरसंहार हुए हैं वो इस क्षेत्र में हुए हैं और अभी भी होते हैं। इवन दो इतने कि समुदायों में इतने आपस में झगड़े बने हुए हैं कि लोग एक दूसरे की हत्या करके उनको खा लेते हैं। हाँ, एक्चुअल में ऐसा होता है, इतना बड़े पैमाने पर वहां पर जो है नरसंहार चलता है। अब आते हैं इसके हॉर्न ऑफ अफ्रीका को लेकर, शुरुआत को लेकर। चीन ने भी बेसिकली में क्या किया है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के लिए अपना एक प्रॉपर दूत एस्टेब्लिश किया है। दूत क्यों किया है? कि जब भी आप बात करते हैं यहाँ पर इंडो पैसिफिक एक्टिविटीज को लेकर, ठीक है, तो ये जो क्षेत्र है और ये जो पूरा आपका क्षेत्र है दिख रहा है आपको, ये इंडो पैसिफिक एरिया है। मतलब कि अगर कल को चीन इन क्षेत्रों में, ठीक है, सोमालिया में और केन्या वगैरह इन क्षेत्रों में क्या करता है बेसिकली अपना कोई अड्डा वगैरह बना लेता है, तो जाहिर सी बात है कि इंडो पैसिफिक एरिया में क्या करेगा? अगर सोमालिया में चीन अपना इन्वेस्टमेंट दिखा दे, वहां पर अस्थिर कंडीशन क्रिएट कर दे, तो यहां से वो पूरे के पूरे पैसिफिक एरिया में क्या कर सकता है? अपनी एक उपस्थिति को दर्शा सकता है। तो उसके लिए जरूरी है कि उसको सोमालिया को कंट्रोल करना, इसीलिए उसने हॉर्न ऑफ अफ्रीका को लेकर बात की। उसके अलावा इस क्षेत्र में अभी फिलहाल में सी ड्रैगन युद्धाभ्यास के नाम से किया गया था, सी ड्रैगन एक्सरसाइज की गई थी, और इस एक्सरसाइज में वो देश जो आपके क्वाड में भी शामिल होते हैं, ठीक है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान की जो नौसेनाएं थी वो इसमें शामिल हुई थी। मतलब कि क्वाड प्लस साथ ही साथ में दो अन्य देश भी इसमें शामिल हुए, जिसमें कि साउथ कोरिया और कनाडा भी शामिल थे। कनाडा के साथ में भी चीन का डिस्प्यूट है और साउथ कोरिया के साथ भी डिस्प्यूट है। मतलब कि जो सारे के सारे डिस्प्यूटेड जो देश थे वो सारे के सारे डिस्प्यूटेड जो है वो सी ड्रैगन युद्धाभ्यास में शामिल थे, जो कि चाइना को लेकर इंडो पैसिफिक एरिया में काउंटर को क्रिएट करता है, ठीक है। अब ये जो बेसिकली क्षेत्र है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये वेस्ट अफ्रीका से शुरुआत होकर जो यहां पर एंड हो रहा है, ये दुनिया के सबसे गरीब क्षेत्रों में शामिल है।
मतलब निहायत गरीबी यहाँ पर है। निहायत गरीबी का मतलब यह है कि बाल सैनिकों को वहां पर ये हालात रहते हैं कि वो एक दूसरे के पेशाब पीकर माइग्रेशन करते हैं। आपने बहुत पहले समय पर एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी मैंने, उस डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया था कि बाल सैनिक बेसिकली क्या है कि वहां पर बहुत छोटे छोटे बच्चों को भी हथियार थमा दिए गए हैं। घर में नरसंहार हुआ, गांव देहात में गांव जला दिए गए, लोगों को मार के पेड़ों पर टांग दिया गया। उसके बाद में होता क्या, उनकी फैमिली के जो बच्चे बचते हैं उनको कई सारे रेवोल्यूशन के नाम पर उन बच्चों को हथियार थमा देते हैं। उन बच्चों की उम्र है 10 साल, 12 साल, 13 साल, 14 साल। पूरे क्षेत्र में पानी तक बेसिकली अवेलेबल नहीं है, तो लोग जब वहां पर वो ट्रेवल कर रहे होते हैं ना बच्चे, तो वो एक दूसरे के पेशाब को पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं उस क्षेत्र को पार करने के लिए। और बाल सैनिक हर साल हजारों की संख्या में वहाँ पर सिर्फ यहाँ से वहाँ माइग्रेट करने में मारे जाते हैं, क्योंकि ये पूरे एरिया में विचरण करते रहते हैं। सोमालिया के पूरे क्षेत्र में, चाड में, सूडान में, और सूडान तो वैसे ही आपको पता है साउथ सूडान के क्या हालात है और पूरे सूडान के। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी क्रिएट होती हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर यहाँ पर डेटा को लेकर बात करें तो ऑफिशियल जो डेटा बोलता है वो बोलता है कि 1982 से 1990 के बीच में ये 10 सालों का जो टेन्योर रहा, 2 मिलियन से ज़्यादा लोग मारे गए। और वर्तमान में इस क्षेत्र से कम 5 मिलियन से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जो आने वाले भविष्य में कुपोषण की वजह से मारे जाएंगे, या फिर वो बच्चे अपने जीवन के 10 वर्ष भी नहीं देख पाएंगे। ये हालात इस क्षेत्र के हैं, ठीक है। तो उसको लेकर बात थी। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे आफ्टर द क्लास करिएगा। एसपीजी के संदर्भ में निम्नांकित कथनों पर विचार कर असत्य कथन सही कूट का चुनाव करिए, ठीक है। और कल की क्लास के लिए आपके टॉपिक है, उन टॉपिक्स को नोट कर लीजिए। पहला टॉपिक है आपका चुनाव की व्यय सीमा को लेकर, हरित ऊर्जा कॉरिडोर, चीता पुनर्वास योजना, कोयला आधारित बिजली संयंत्र, उत्तराखंड के धारचूला को नेपाल के धारचूला से जोड़ने की योजना और प्रसाद योजना। उसके अलावा 15 जनवरी, ठीक है, 15 जनवरी को आप लोगों के लिए बेसिकली ऑप्शनल जो आपके 5 कोर्सेज हैं, वो 5 कोर्सेज आपके लॉन्च हो रहे हैं, ठीक है। तो उन कोर्सेज से जुड़ने के लिए आपको जो भी क्वेरी वगैरह आ रही है, जो भी समस्या आ रही है, उस समस्या से आप जुड़ने के लिए नीचे आपका हेल्पलाइन नंबर आपका आ रहा है, उसको इस्तेमाल करिए। साथ ही साथ में आपका सार्थक से संबंधित कोई भी अगर डिस्प्यूट आपको आ रहा है, कोई भी इशू अगर आपको आ रहा है, देन नीचे आपका नंबर दिया गया है, उस नंबर पर कॉल कर दीजिए, मेल कर दीजिए, ठीक है। मेल मैंने ऑलरेडी आपको अपना बताया था, अगर वहां से कोई इशू आ रहा है देन आप मुझे मेल कर दीजिए, raj@gmail.com, ठीक है। तो आज की जो आपकी क्लास थी, इस क्लास के लिए इतना ही। क्लास अगर अच्छी लगे देन उसको लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। साथ ही साथ में एग्जाम्पल ऑफिशियल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना ना भूलें, और टेस्ट वाले जो ऐप है वो भी अब आपका प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। पहले वेबसाइट थी बट अब एप्लीकेशन भी अवेलेबल है। 2 लाख से ज्यादा बच्चे उसमें जुड़े हुए हैं, तो आप भी इस दौड़ में शामिल होइए और अपना कंपटीशन उनसे करिए। आपको कंपटीशन तभी पता चलेगा जब ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आपके साथ बच्चे कॉम्पीट कर रहे हो, तो वहां पर अपने मॉक टेस्ट दीजिए और साथ ही साथ में यहाँ पर क्लास में स्कोर बताइए, ठीक है। तो आज के इस क्लास के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।